जनपद पानीपत के विभिन्न सिख समाज के संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पर उग्र प्रदर्शन किया। पहली पातशाही गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ हजारों की संख्या में यह प्रदर्शन लघु सचिवालय पर समापन हुआ। जुलूस निकालते हुए सिख समाज के व उनके साथ विभिन्न मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने पाकिस्तान की हाय हाय व पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। याद रहे कि हाल ही में पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में एक पाकिस्तानी नागरिक ने वहां के लोगों को भड़काकर गुरुद्वारा साहिब के हजूर में बेवदी की थी। यही नहीं, सिख समाज के घरों में पत्थरबाजी की शर्मनाक घटना को भी अंजाम दिया गया था। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक सिख युवक की दिन दहाड़े हत्या से भारत में भारी रोष व्याप्त हो गया है। इस रोष के फलस्वरूप मंगलवार को विभिन्न सिख समाज के संगठनों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त हेमा शर्मा के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि पाकिस्तान की इस गुस्ताखी के लिए कड़ा सबक सिखाया जाए। सिख भाइयों के साथ हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज पूरी तरह से तन बंधन से साथ है और इसकी घोर शब्दों में निंदा करता है। इसी का हमने एक सबूत दिया है कि एकता मंच सिख मुस्लिम एकता मंच पानीपत से आज हम यहाँ से प्रदर्शन करते हुए आए और पाकिस्तान के खिलाफ आज हमने दिया है और हमने इसमें मांग की है कि हमारी भारत सरकार पाकिस्तान इसके लिए अल्पसंख्यक समाज पाकिस्तान में जो रह रहा है हमारा सिख समाज उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा सुरक्षा और उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए उनको भारत सरकार उन पर दबाव डाले और हर तरह संभव उसे प्रयास करे कि वहाँ का अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित रहे। अभी बेनती कर रहे हैं मोदी सरकार को भी और इमरान खान को भी जिहड़ा कि अच्छा माहौल तुम एक 550 साल गुरपुरब के उत्ते बनाया थी उन्हों माहौल में कैम किया जाए दोषियों के विरुद्ध सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की कोई घटना दोबारा पाकिस्तान के किसी होर गुरद्वारा साहब हिंदुस्तान के भी जो गुरद्वारा साहबान के उत्ते हमले हो रहे हैं ढाए जा रहे हैं असी हिंदुस्तान सरकार को भी अपील करा। सिटी तहलका के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।